शेड्यूल आने वाला है, काफी भारी यहाँ पर आयोजन किया गया है सर, रोड शो का पहला रोड शो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने वाला है, तो इस पर क्या कहेंगे सर, क्या तैयारी? हम लगातार, ये पहला रोड शो नहीं है, हम रिसेंटली भी आदिलाबाद में मीटिंग किए हैं, संगारेड्डी में भी मीटिंग किए हैं, उसके बाद अमित शाह जी का मीटिंग किया है, आज मलकाजगिर में रोड शो है, कल नागर कर्नू में है, फिर तीसरा दिन हमारा जगित्याल में है, ये हमारा लगातार चलने का कार्यक्रम है, हम पूरा तैयारी के साथ इलेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। सर, कल स्केड्यूल आने वाला है, आज ईडी की जो रेड हो रही है कविता के घर पे, इसको कैसे देखते हैं? आपने कई बार आरोप लगाया है बीआरएस पार्टी पर भ्रष्टाचार के ऊपर, और आप पर भी आरोप लगे हैं कि दोनों मिले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी बताती थी, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या जवाब? ये पहली बार नहीं है, ईडी बहुत बार इंक्वायरी किया है, इंक्वायरी को रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाया गया है, इसलिए और सीबीआई के ऊपर भी इंक्वायरी को बुलाए तो नोटिस दिए तो नोटिस को ठीक तरीके से आए नहीं। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कविता जी को, अगर आप निरपराधी है, बिल्कुल साहस धैर्य से आप एजेंसी के सामने जाके आप अपना अपना मत बताना चाहिए, एजेंसी के सामने इंक्वायरी को नहीं आते हुए आज बच के घूमना है, ये गलत है। ईडी रेड कर रहा है, मुझे नहीं मालूम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है, जो भी उनके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन रहते हैं उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो लोग आके प्रश्न करेंगे, प्रश्न का जवाब देने का काम सभी लोगों का काम होते हैं। तीनों भी पार्टी तैयारी कर रही है, कांग्रेस हो, बीआरएस हो, बीजेपी हो, आपको क्या लग रहा है सर, क्या नंबर आने वाला है? कांग्रेस भी फुल कॉन्फिडेंट लग रही है, 14 सीट लाने की बात कर रही है लोकसभा तेलंगाना में, इसको कैसे देख? नहीं, अपना अपना पार्टी का वो लोग बोलना, मैं रोकने का अधिकार नहीं है, मेरा पार्टी के बारे में मैं बताता हूँ, मेरा पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट तेलंगाना से लाएंगे, डबल डिजिट्स आएंगे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने में तेलंगाना जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, बहुत खूब आशीर्वाद मिलेंगे, मेजॉरिटी सीट्स में जो गवर्नमेंट दिल्ली में बनेगा उसमें पूरा जनता का आशीर्वाद से तेलंगाना से ज़्यादा एमपीस चुन के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी, कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।